रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हम सब यौमे यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और मतलब इसका यही है कि कश्मीर में जो उनका इस्तेसवाब राय का, जो हक खुद इरादियत का हक है उनका, जिसको तस्लीम किया दुनिया ने, अक्वामे आलम ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी करारदादों के जरिए, वो उन्हें मिलना चाहिए और उसके नतीजे में उन्हें आज़ादी भी मिलनी चाहिए और उस जुल्म सितम से निजात भी मिलनी चाहिए। हमजा, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन का सिलसिला कुछ अरसे रहा और हम बिलबिला उठे। हमें पता लगा कि हम किस तरह ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं और 550 दिन जो है वो हो चुके हैं और मुसलसल ये मुहासरा कह लें, लॉकडाउन कह लें, जिंदगी का तातुल कह रहे हैं, उनका हिसार कह लें, इसका सिलसिला जारी है जो एंडलेस। वैसे तो 73 बरसों से मामला ऐसी हैं, लेकिन जो लगाया गया 2019 5 अगस्त को, उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी भारत की जानिब से, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। और ये भी कहा जा रहा था, आपको याद होगा, कि अल्लाह का अजाब पूरी दुनिया पर आया है, कि पूरी दुनिया जो खामोश रही है कश्मीर के मामले पे, इनको पता लगे कि लॉकडाउन हो तो कैसा होता है। हमजा, आपने भी और मैंने भी और आप सब ने भी देखा होगा वहाँ पर कश्मीरी माओं की जो हालत इजहार है, यानी उनके सामने उनके छोटे बच्चे 12-13 साल के लड़के उठा लिए जाते हैं। अभी पिछले दिन हमने देखा वो जो जाली इनकाउंटर में यूथ कश्मीर के बच्चों को मार दिया गया और फिर कहीं ले जाके इनकाउंटर किया गया और लाशें भी वर्षा के हवाले जो है वो नहीं की गई। इस तरह की बहुत सारी ऐसी जुल्म की दास्तानें हैं जो आए दिन वहां से हम सुन रहे होते हैं। सर्च ऑपरेशन पता नहीं किस चीज के हो रहे हैं, नाम निहाद सर्च ऑपरेशन है, वहां से उठा के नौजवानों को ले जाते हैं, उनकी कोशिश है कि वहां पर कोई नौजवान मौजूद ही ना रहे कश्मीर के अंदर। भारत जो है कश्मीर तो हासिल करना चाहता है, लेकिन कश्मीरियों को नहीं चाहता कि वो कश्मीरी भी रहे। और फिर आगे जो मामला आते हैं वो सब आप जानते हैं। इस पर बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, यौमे यकजहती है कश्मीर के हवाले से आज बात होगी। पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। हाफ विडोज, ये वो जिसे कहना चाहिए नहीं, ये वो संगीनी है कि वहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस हवाले से हम आज पूरे प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन बात करें और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपनी यकजहती का इजहार तरीके से करें। तो एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की काली रात कब खत्म होगी? भारतीय मजारे मकवामे आलम के बनाए गए इंसानी हकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, हंसते बसते घरों को उजाड़ना भारतीय फौज और पुलिस का मशगला बन चुका, आलमी बरादरी भी मोदी की पॉलिसियों के सामने बेबस, खामोश तमाशाई बन गई। बदलेगी एक रोज तुझी से दुनिया की तकदीर, ऐ मेरे कश्मीर ऐ अर्ज़े दिलगीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। 5 फरवरी कश्मीरियों के गैर मुतजलजल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जल से जुलूस रैलियाँ निकाली जाएंगी, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। सेनेट इलेक्शन, पैसे की रेल पेल और मंजूर नजर अफराद को नवाजने का मैदान। अवाम पूछते हैं जमहूरियत के अलमबरदार, जमहूरी जमातों के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं? पार्टी कायदीन के चहीते ही सेनेट की टिकट के हकदार क्यों? मुल्क की सियासत विरासतों और शख्सियात के गिर्द कब तक घूमती रहेगी? जिस्मानी बीमारियों की तरह जहनी मसाइल भी एक हकीकत। बच्चों को वालदेन के जज्बाती, जहनी और रूहानी सहारे की हमेशा से ज़रूरत। रवां हफ्ते बच्चों की जहनी सेहत के हवाले से बात हो रही है। इस हफ्ते को मनाया जा रहा है। बच्चों के जहनी मसाइल से बाखबर रहना वालदेन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं और बात हम करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। जुल्म सितम की दास्तान ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि अकवाम आलम के बनाए गए इंसानी हकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी पर ये जो महजब अकवाम है इनको झंझोड़ती है कि आप लोगों ने आखिर क्या किया। यूरोपीय यूनियन से लेके अकवाम मुत्तहिदा तक सब इस बात पे अग्री हैं कि इनको हक खुद इरादियत मिलना चाहिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो बेबस हैं। हमारे सामने यासीन मलिक हैं, हमारे सामने आसिया अंद्राबी हैं, हमारे सामने उनके शौहर हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनको तहाड़ जेल में बदतरीन मजालिम जो हैं उसका निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो कैदियों के हकूक हैं उसको भी अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जुल्म सितम की पॉलिसी रवा रखी जा रही है। आसिया अंद्राबी जो हैं, हमजा आप भी और देखने वाले, मतलब ये वो खातून है जिनके शौहर जो हैं ये गुज़श्ता
तकरीबन 30 साल से पाबंद सलासन है, उनके बच्चों ने वालिद को नहीं देखा, वो और आसिया दराबी जो हैं जिन्हें आपा जी के नाम से कहा जाता है उन्हें भी गाहे बगाहे जो है वो उठा लिया जाता है, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, नज़रबंद कर दिया जाता है। अच्छा फिर उसके साथ जो हम बात कर रहे थे ना हमजा, रेप को जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है एज वेपन, जिस तरह से टेररइज किया जा रहा है वहाँ पे छोटे बच्चों को उठा के और उनको अपने जुल्म सितम का निशाना बना के, इंसानी हकूक की वो संगीन खिलाफ वर्जी है जिसके नोटिस जो है पूरी दुनिया की तरफ से लिया जाना बड़ा ज़रूरी है। और ये ढाए जाने वाले जो मजालिम हैं इनका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, पूरी दुनिया को अब कश्मीर और कश्मीर के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक चीज़ की हद क्या होती होगी या ये कह लें कि एक्सट्रीम क्या होती होगी, वो ये होती है कि जो जुल्म कर रहा है ना उसका खुद दिल दहल जाए। तो जो भारतीय फौजी वहाँ पर जुल्म करते हैं वो पागल हो रहे हैं, वो वहाँ पे खुद खुशियाँ कर रहे हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, वापस चले जाते हैं तो अपने गांव में जा कहते हैं कि भारतीय फौज ज्वाइन ना करना, ये बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। आप देखें हद ये है कि जो जुल्म करने वाले लोग हैं वो ज़हनी तौर पर जो है इतने ज़्यादा परेशान हैं और ख़ुदकुशी करने तक चले जाते हैं। और अब भारत का अगर मैं आपको बताऊँ ना, आज की जो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें भारत जो कि वेस्ट का चहेती तरीन डेमोक्रेसी करार देती थी, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे कहते थे, इस दफ़ा उन्होंने उसे रैंक किया है फ्लॉड डेमोक्रेसी के उसमें, यानी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें संगीन किस्म के मामला हैं। सो भारत का भी मामला जो है उनको भी देखना पड़ेगा कि उनका जो सेकुलर चेहरा उन्होंने अपना दिखाया हुआ था, इस तरह के मकरूह इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां और जराइम जो कि जंगी जराइम वहाँ पे किए जा रहे हैं इसके साथ उनका दुनिया में तशख्स जो है वो भी मजरूह हो रहा है। दुनिया की अकवाम और महजब जो लोग हैं वो इस बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो बिल्कुल यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब हमारे मौजूद हैं। सदर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भारत के 5 अगस्त 2019 के कश्मीरियों पर शब खून के बाद अब तक कश्मीर कॉज में कितनी पेशरफ्त हो चुकी है, पाकिस्तान ने क्या किया, अक्वामे आलम से क्या अब भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए? अच्छा, आपने पेशरफ्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आपकी मुराद जो थी वो कि बैनुल अक्वामी सतह पर कितनी पेशरफ्त हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैनुल अक्वामी सतह पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यूनाइटेड किंगडम में, और उसके अलावा US कांग्रेस ने जो है या तो करारदादें टेबल की हैं या उसके बाद बहस की है या उन्होंने हियरिंग्स करवाई हैं और शहादतें इकट्ठी की हैं हिंदुस्तान के जराइम के सिलसिले में। आलमी ज़राए इबलाग़ आमा ने जो है कश्मीरियों के हकूक़ की हिमायत की है, उनके तहफ़ुज़ के लिए मुतालबा किया है। हिंदुस्तान के इन भयानक मजालम जो हैं उनकी शदीद मजम्मत की है, और उसके अलावा बड़ी कोशिश से पाकिस्तान जो इस सिलसिले में कामयाब रहा है कि वो सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर को एक मरतबा फिर ले गया है और वहाँ ये मसला ज़ेर बहस भी आया है और तमाम बैनुल अक्वामी इदारों के साथ पाकिस्तान राबते में है। डायस्पोरा कम्युनिटी जो है, जो बाहर कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं, वो बेहद मुतहरक हैं और जो है वो पार्लियामेंट के बाहर अपने हलकों में जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ जो अहल और राय हैं मसलन जो लोग वहाँ फैसलों पे असर अंदाज होते हैं उनके साथ रबते में, ये हमारी कामयाबी है। लेकिन हम मंजिल से बहुत दूर हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कश्मीर जल रहा है और जो बैनुल अक्वामी बरादरी है बिलखसूस जो ताकतवर अक्वाम है सलामती काउंसिल के अंदर सलामती काउंसिल के बाहर वो खामोश हैं और वो हिंदुस्तान की एक तरीके से सरपरस्ती कर रही हैं सिवाय चीन के जिसने हमारी मदद की और मसला कश्मीर को हम दोबारा सलामती काउंसिल में वो कामयाब रहे। तो इस बड़े चैलेंज का हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये भी बताइएगा कि अब जबकि अमेरिका में एक चेंज ऑफ डोमेन है, डेमोक्रेट्स आ गए हैं, अमेरिकी सदर बाइडेन और नायब सदर जो हैं कमला हारिस, इनके इक्तदार में आने से पहले जो कश्मीरियों के हक में बयान थे वो कितने हौसला अफजा हैं, नई अमरीकी इंतजामिया के आने से मसला कश्मीर के हल करने में कितनी मदद मिलेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइडेन और कमला हारिस जो हैं इन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान तो कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हिंदुस्तान को भी एक तरह से ख़बरदार किया, मुतनब्बे किया कि भाई इस किस्म के जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तकाब मत करो। लेकिन अब देखना ये है कि वो फैसले क्या करते हैं, मसलन ये कि क्या जो है जो बाइडेन जो है वो सालस बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने सफारतकारी के तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि जो एक
सदर हो, जो इनकम्बेंट सदर हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सालसी का किरदार अदा करे, क्योंकि उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी हैं, पाकिस्तान के साथ। वो कश्मीरियों से बराह रास्त रابطہ करेगा तो हिंदुस्तान एकदम मोतरज हो जाएगा, हिंदुस्तान पहले आमादा ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ये शर्त आयद कर देता है कि जनाब हम किसी सालसी के लिए तैयार नहीं हैं। तो वहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बाइडन और कैमला हैरिस, पर्टिकुलरली जो बाइडन है, वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सलामती काउंसिल में जो बहस हुई है उसे कहें आगे बढ़ाएं, और उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट यह है कि हिंदुस्तान वहाँ सलामती काउंसिल में बैठा हुआ है। या दूसरा ये है कि वो ये है कि किसी ऐसे स्टेट्समैन की निशानदेही करें, ऐसे गैर जानबदार, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से हो सकता है, यूरोप से हो सकता है, खुद अमरीका से हो सकता है। मतलब जिमी कार्टर जो हैं, जैसे शख्सियत हैं, उनके मतलब सेहत शायद इजाज़त ना दे, क्योंकि वो, लेकिन उनकी उनकी तरह का कोई स्टेट्समैन जो है वो इसके लिए कोई कोशिश कर सकता है। खुद वो ये कह सकते हैं अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, एंटोनियो गुटेरेस साहब को, कि जनाब वो आप एक कश्मीर के ऊपर खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करें। अगर आप देखें अक़वामे मुत्तहिदा में खसूसी नुमाइंदों की फहरिस्त, तो बहुत तवील है। छोटे छोटे इलाकों के लिए जो है, जो ये बलकान का इलाका है, वहाँ पता नहीं कितने जो है उन्होंने जो है खसूसी नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए हैं, सीरिया के लिए, दूसरे इलाकों में। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा आफत सदा इलाका है, इसकी खसूसी नुमाइंदा नहीं। इस सिलसिले में अमेरिका जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है, अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। भारत के मामले में पूरी दुनिया का तो हमें सॉफ्ट कॉर्नर ही नजर आता है, आपके भी सामने, हम भी हमेशा देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन पामालियों और किसानों के तारीखी एहतजाज के बावजूद भी आलमी ताकतें खामोश हैं, बल्कि सेलिब्रिटीज बात कर रही हैं, लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर इदारे भारत को लेकर इसके खिलाफ इकदाम करने को तैयार ही नहीं हैं। तो ऐसा रवैया क्यों है? देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि अक़वामे मुत्तहिदा जो है वो बहुत ही मिनिमम रोल अदा कर रहा है इस वक्त। जो है अक़वामे मुत्तहिदा का खुद उसकी ट्रेजेडी है कि उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, और जो अमन और सलामती से मुतालिक मामलात हैं या आबादियों से मुतालिक मामलात हैं उनके बारे में वो खामोश है। हालांकि उन्होंने जो है 2005 में जो है एक करारदाद भी पास की थी, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि जहां लोगों को इस तरीके से मारा जा रहा हो, उनसे बेहिमाना सलूक किया जा रहा हो, उनके हकूक कुचले जा रहे हों, तो अक़वामे मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुदाखलत करे। लेकिन ये ज़बानी कलामी जो है ऐलानात हैं, उससे आगे कुछ नहीं। तो जो बड़ी ताकतें हैं वो तो हिंदुस्तान की जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो अमेरिका जो है हिंदुस्तान को जवाब दे ना ठहरा कर एक किस्म का शरीक जुर्म हो रहा है। इसी तरीके से बाकी ममालिक जो हैं वो भी शरीक जुर्म हो रहे हैं कि भाई जब कहीं इस तरीके से आप देखें कि एक आर्सनिस्ट है जो एक आग जला लगा रहा है, किसी इमारत को, लोगों को जला रहा है, और आप उसे ना रोकें तो आप वहीं मौजूद हैं, तो ना आप फायर ब्रिगेड को लाएं, ना आप उन लोगों को, उन जनूनियों को रोकने की कोशिश करें, तो आप शरीक जुर्म हुए ना। तो इस वक्त इस आलमी मंजरनामे में हम जो है मसला कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मुश्किलात बेतहाशा हैं, कश्मीरी कैद हैं, और बैनुल अक़वामी इदारों ने भी हमारे लिए अगरचे कुछ दरवाज़े खोले हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले चैम्बर्स हैं वो खामोश हैं, और इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। हमें यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम हक और सच के दिफा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल सही भी फरमाएगा कि आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मसला कश्मीर को लेकर कितनी हम आहंगी है, और ये जो मसाइल और ये जो संगीन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियाँ हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दोनों हुकूमतों की हिकमत अमली क्या है? रियासत आज़ाद कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, और हम मिलकर हिकमत अमली बनाते हैं। ऐसे फोरम्स बने हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तान की क़यादत बैठती है, तबादला ख्याल होता है और इन मामलों पर गौर व खौस होता है, लेकिन ये जो रबते हैं इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। फिर यह है कि मैं समझता हूँ कि इसमें असल नुमाइंदगी जो है वो मकबूज़ा कश्मीर से जो लोग यहाँ आबाद हैं या बाहर के ममालिक में मौजूद हैं उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए, उनका उनके नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए, उनको दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे भेजना चाहिए ताकि अपनी वो वकालत कर सकें, अपना मुकदमा पेश कर सकें। तो
ये जो है ये क्वेश्चन जारी हैं और मुझे यकीन है कि हम चूंकि खलूस नीयत से कर रहे हैं, ठीक है कोई कमी कोताही होगी तो हम जरूर कामयाब। सरदार साहब, आपने डिप्लोमेसी में जिंदगी गुजारी है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की मसला कश्मीर के हवाले से डिप्लोमेसी दुरुस्त समत में है नहीं है, क्योंकि अक्सर अपोजिशन की जानिब से यह सवाल उठाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान जिस मौक़ पे 1947 में खड़ी थी वहाँ भी बगैर किसी लचक के आज भी खड़ी है, और ये असल में एक ट्रस्टिक है। ये ट्रस्ट जो है वो कश्मीरियों की तरफ से दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से दिया गया, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से दिया गया है कि हम हुकूमत पाकिस्तान बल्कि रियासत पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। तो लेकिन यानी ये कि अभी हम कामयाब नहीं हुए अपनी मंजिल हासिल करने में, तो इसलिए ये है कि हमें मजीद हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है, हमें दोबारा से जो है ना वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड रीसेट दिस पॉलिसी सो दैट इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। बिल्कुल सही, ये भी फरमाएगा कि आज यौमे यकजहती कश्मीर के दिन आप आज़ाद कश्मीर की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जो कि भारतीय बर्बरियत जुल्म और सितम सहने वाले कश्मीरी हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तरफ से नहीं बल्कि अहले जम्मू कश्मीर उनकी तरफ से, अहले पाकिस्तान की तरफ से और दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं या हमारे जो हम ख्याल लोग हैं जो आज़ादी पसंद शहरी हैं दुनिया के, या वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने हमारे कहे बग़ैर जो है कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए इतनी जद्दोजहद की है दुनिया की पार्लियामेंट्स में, वो जनूब मशरक़ एशिया में हूँ, मलेशिया में हूँ, या ब्रसल्स में हूँ, या वाशिंगटन डीसी में हूँ, या लंदन में हूँ, या दूसरी जगहों पे हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कश्मीरियों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया आपके साथ खड़ी है। आप एक लम्हे के लिए महसूस न करें कि हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो है जिस क़यामत से गुज़र रहे हैं ये एक करबला है। करबला की ये निशानी थी कि उसमें जो है गैर मसल्ला लोगों को, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, उनको तहतेक किया गया। आज वसी पैमाने पर वही करबला दोहराई जा रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, यानी निहत्ते लोग हैं और 1,40,00,000 लोगों की आबादी को 9,00,000 फौजियों ने कैद किया हुआ है। ये जो है ये एक पुलिस स्टेट बन चुकी है, ये एक फौजी छावनी बन चुकी है, और ये एक बहुत बड़ा कैद खाना है जिसमें आदमी अपने घर में महफूज नहीं है, औरत महफूज नहीं है, बच्चा महफूज नहीं है, आप घर के बाहर जो है चौकों और चौराहों में महफूज नहीं है, आपके कारोबार महफूज नहीं है। तो इस वक्त जो है आज का दिन इसलिए मुकर्रर किया गया है कि हम कश्मीरियों से ये कहें, और मैं कश्मीरियों से कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, और कश्मीरी भी याद करेंगे कि उनके साथ इस तारीख तरीन दौर में कौन खड़ा रहा है और कौन नहीं खड़ा रहा, यानी पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि कौन लोग उनके साथ जुरत और हिम्मत के साथ खड़े थे। तो क्योंकि कश्मीर ने, मेरा ये ईमान है, यकीन है कि उन्होंने आज़ादी ज़रूर लेनी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह एक दिन आज़ादी जो है उनका मुकद्दर है और आज़ादी वो हासिल करके रहेंगे। सरदार मसूद अहमद ख़ान, सदर आज़ाद कश्मीर, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इतना ही, मतलब कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं। यकीन करें, आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत से भी इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, इतनी आवाज़ें उठ रही हैं कश्मीरियों के हक़ में, और उन आवाज़ों को भी दबाया जा रहा है, और सिर्फ वो मुसलमानों की आवाज़ें नहीं। जाहिर है, जो भी कोई इंसान है जो इंसानी दिल रखता है और सोच फहम रखता है, आपको मनाजिर तो देखें कितने दिल दहला देने वाले होते हैं, क्या मासूम बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो एक भारतीय फौजी को अपने घर की तरफ बढ़ता देख के जिस तरह से बेबसी से रोना शुरू हो गया, पत्थर उठाते हैं, जिस तरह से गुस्सा कितना है उनमें, उस मेंटल टॉर्चर का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अभी तो हम फिजिकल टॉर्चर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो सामने नजर आने वाले जख्म है, जो रिस रहे हैं उनकी बात करें, जो उनके रूह पे घाव है, जो उनके दिल पे जख्म है, जो उनके जैसे कहना चाहिए इज्जत नफ्स को जैसे तो जैसे तार तार किया गया है, अभी उसकी तो दुनिया और अक़वाम आलम ने कोई नोटिस ही नहीं लिया, उसकी कभी बात ही नहीं की, अभी उस नुकसान का तो हमने शुमार ही नहीं किया। बिल्कुल, भारत तो वहाँ पर किसी को जाने ही नहीं ना दे रहा कि जी के कोई जाके वहाँ पर देख ही ले कि मामलात क्या हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम आपको हालात दिखाते हैं, आप लोग आए, भारत कभी भी नहीं मानता, लेकिन अक़वाम आलम जो है
वो बहुत महज़ब है, एक मिनट की जो खामोशी है वो इख्तियार करते हैं और उनके लिए मामला खत्म हो जाता है। हाँ, और अब जो है इस इंडेक्स में जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसी इंडेक्स जो कि द इकोनॉमिस्ट का है, उसमें फ्लॉड डेमोक्रेसी डिक्लेयर करके समझते हैं कि बस काम हो गया, हमने इंडिकेट कर दिया है कि अच्छा काम नहीं आप करें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम रहने वाले जो हैं मुख्तलिफ अंदाज से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तानी को पैमाओं की केटू सरकंदर करने का फैसला कुन मुहिम जो है वो जारी है और उनका अज़्म है कि आज यानी यौम यकजहती कश्मीर के दिन वो केटू पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएंगे। इस मुहिम जोई में मोहम्मद अली सतपारा, उनके बेटे साजिद और आइसलैंड के जॉन स्नोरी जो हैं ये भी शामिल हैं। बिल्कुल, ऐसी ये ट्वीट इनके सामने आ रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर किया जा रहा है और सर्दियों में जो है सर करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है, उन्होंने लिखा है कि इंशाल्लाह आज हम ये सर करके तोहफा देंगे कश्मीरियों को, उनके नाम करेंगे। मोहम्मद अली सतपारा ये कह रहे हैं कि उनका बेटा साजिद ऑक्सीजन के बगैर केटू सर करने के लिए दोनों पुरअज़्म है और उनके साथ मौजूद आइसलैंड के जो को पहमा हैं, जिस तरह से फरा बता रही थी जॉन स्नोरी, वो भी कह रहे हैं कि केटू सर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और साजिद अली सतपारा का ये कहना है कि मुहिम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, बेहद मुश्किल है। किलर माउंटेन है, नेपाली कोपा मेहमाओं ने पिछले माह इसको सर किया है, लेकिन उन्होंने पूरी गैजेट्स के साथ किया है, बगैर ऑक्सीजन के जो है ये तो एक आलमी रिकॉर्ड होगा, एक और आलमी रिकॉर्ड होगा। विंटर में वैसे केटू को समिट करना जो है वो भी एक आलमी रिकॉर्ड था जो कि पिछले दिनों ही कायम किया गया। केटू की चोटी जो है 8611 मीटर की बुलंद है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन मुश्किल तरीन माउंटेन, इसको सेवेज माउंटेन जो है वो भी कहा जाता है। और यही बात है कि इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि मोहम्मद अली सतपारा इतने, वो मतलब आप उनके ट्वीट्स देखें ना तो उससे पता लगता है कि यार ये क्या जज्बा है और फिर कश्मीरियों के नाम करना। फरा, वैसे मुझे तो ये लगता है कि आप इस तरह की कोई चोटी देखें ना तो आप वैसी, मैं तो खौफजदा हो जाऊं कि मैं नहीं भाई कल आएंगे, परसों आएंगे। लेकिन ये जाहिर है जो एडवेंचर्स और जो खतरों से खेलने के आदी होते हैं और इस तरह के थ्रिल जो है उसके साथ डील करने की उनको आदत होती है, उनके लिए ये चैलेंज, ये मुहिम जो ही जो है ये वैसे कहते हैं ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो हमारी बेस्ट विशेज अपनी को पहमा टीम के लिए भी है, लेकिन हमारी क्या सिर्फ विशेज हैं, हम लोग क्यों नहीं इनको प्रमोट करते हैं, इनको स्पॉन्सर हम लोग क्यों नहीं करते हैं, हम इनके लिए क्यों नहीं करते हैं? फर्क मेरे ख्याल में होना चाहिए हमजा, क्योंकि आप क्रिकेट देखते रहते हैं ना ज्यादातर वक्त। ये हमारी भी गलती है, मेरी भी गलती है। हाँ, इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप इतने ही पैशनेट जो है वो क्रिकेट के अलावा स्क्वाश के लिए होंगे, टेनिस के लिए होंगे, स्नूकर के लिए होंगे, अपने को पहमाओं के लिए होंगे, हॉकी के लिए होंगे, फुटबॉल के लिए होंगे, तो ये तमाम टीम्स भी इतना थ्राइव करेंगी। हमारे यहाँ पर भी लीग्स हो रही होंगी फुटबॉल की, हमारे यहाँ पर भी जो मुख्तलिफ जो है वो चैंपियनशिप्स हो रही होंगी। सो लेट्स ओपन विश के पाकिस्तान में ये तमाम कल्चर जो है एडवेंचर का और उसके साथ साथ हर तरह के खेल को प्रमोट करने का ये भी फले फूले। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे